हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। रीना सिलाई में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर मंदिर आए हैं, तो लेकिन प्रसाद ले लेते हैं पहले। तो प्रसाद ले लिया है मैंने। अभी कौन सा मंदिर है मैं आपको बताती हूँ कौन सा मंदिर है। बंगला मुखी का माता का मंदिर है। तो हम पहली बार आए हैं यहाँ पर मंदिर। हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन हम पहले नहीं आए थे। तो पहली बार आए दर्शन करने के लिए। माता के मंदिर टिकेंगे पहली बार। और अच्छा मंदिर बना है, लेकिन मतलब लोग बोलते हैं कि कुछ भी मांगते हैं, लेकिन सच्ची माता है, बहुत अच्छी माता। सच्ची माता माता से कुछ भी मांगते हैं, लेकिन उनकी इच्छा जरूर माता पूरी करती है। और अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार मांग के देखिए, माता पूरी इच्छा पूरी करती है आपकी। जो इच्छा जो मांगोगे वो पूरी कर देती है ज़रूर। यहाँ पर देखो जोत कितनी अच्छी जल रही है, माता की इच्छा पूरी हो जाती। तो यहाँ पर हवन करवाते हैं। तो वीडियो में थोड़ी सी बनाई थी, छोटी सी। माता के मंदिर है, मंदिर माता के मंदिर है, देख लीजिए। पीले कपड़े भी पहनते हैं लोग, पीले कपड़े पहन के आते हैं मंदिर। और देखो माता रानी ये भी पीले कपड़े पहन रखे हैं। तो हम यहाँ से आगे, वहाँ से आगे माता से। तो लेकिन हम ये अब कहाँ जा रहे हैं, ये भोले शंकर भगवान का मंदिर है। और यहाँ भी हम पहली बार आए हैं, तो हम हाथ हाथ मुँह धो लेते हैं। यहाँ पर हाथ हाथ पैर धो लेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेके फिर मंदिर के भोले शंकर भगवान के दर्शन करेंगे। ये मंदिर है, ये शिवबाड़ी मंदिर है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। पहली बार हम लोग आए दर्शन करने, देखते हैं भोले शंकर भगवान के दर्शन। काफ़ी बड़ा मंदिर बना था, अच्छा लग रहा था वहाँ पर अंदर, सबसे अच्छा लग रहा है देखने में। ये भोले शंकर, आप भी दर्शन कर लीजिए भोले शंकर। यहाँ का भी ठीक आप अपना खुद देखो जी, देख रहे हैं ना कि ईटा जो रखे हैं, तो ये अपने हिसाब से रखते हैं। अपने जो कुछ मांगते हैं भोले शंकर भगवान से, तो इसलिए ईटा रखते हैं। तो हम भी रखा, देख हम भी मांग के देखा, देखो हमारी इच्छा पूरी होती है कि नहीं। तो घर बनाते हैं, तो ये सब जगह जितने बने ना, लोग आके घर बनाते हैं। पर घर अपनी इच्छा से मांगते हैं, जो मांगना चाहते हैं। तो हमने भी छोटा सा घर बनाया है, देखते हैं हमारी इच्छा पूरी होती है कि नहीं। तो भोले शंकर भगवान के देख लीजिए आगे से। एक छोटे से ढाबा, ये ढाबा बोलिए, ये होटल बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो हम वहाँ पर खाना खाएंगे। और अंदर अच्छा बना था, अच्छा ठंड मतलब
ठंडा मौसम था, ठंडा मौसम था, बाहर तो बड़ी धूप लग रही थी, अंदर तो ठीक था। तो हम खाना खा लेंगे, खाना खा के फिर घर जाएंगे। तो हम देख ले, भूख लगी बच्चों को, भूख लगी इनको तो चाहिए नूडल्स, और तो कुछ भी चाहिए ना बच्चों को। तो बच्चे देखते हैं, एक प्लेट 60 रुपए की एक प्लेट है, तो वो भी खा लेंगे। मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं तो लंगर खा के आई थी, पेट मेरा भरा था, मैंने नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पर उल्टियाँ बहुत लगती मुझे, तो इसलिए आप इधर की खा लेंगे, इधर ड्राइवर खा लेंगे, इधर ये खा लेंगे खाना, बच्चे भी खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घर। आते टाइम यहाँ पर बच्चों के कंट्रोल सा बना था, तो बच्चे जिद करने लगे कि चलो एक बार घुमा लो। तो आते टाइम हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि इतने तो थके थे, तो ज़्यादा हमने नहीं घूमा था, बस इसी में घूमा था, हमने कभी बैठा नहीं था ना, तो इसी पहली बार बैठी थी, और बच्चे भी पहली बार बैठे हैं। इससे पहले हम कहीं नहीं गए घूम, नाव में पहली बार बैठे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इनके पापा देखो चला रहे हैं नाव। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।